नमस्कार और आप देख रहे हैं मीतू टॉक्स। सुशांत सिंह राजपूत जो पटना से आए थे उन्होंने 14 जून को खुदकुशी कर ली। पटना में जो उनके प्रशंसक हैं वो बॉलीवुड में भाई भतीजावाद का विरोध कर रहे हैं। सुशांत की वजह से पूरा बॉलीवुड सुर्खियों में है। वहाँ के लोग नेपोटिज्म के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं। सुशांत को पिछले 6 महीनों से अवसाद से पीड़ित बताया गया था। अब लोग बॉलीवुड सेलेब्स को कोस रहे हैं कि उन्होंने सुशांत को अकेला क्यों छोड़ दिया। प्रोड्यूसर्स जैसे करण जौहर, एकता कपूर, आदित्य चोपड़ा और सलमान खान को सुशांत का समर्थन नहीं करने के लिए दोषी ठहराया जा रहा है। इस बीच पटना में एक कैंडल लाइट मार्च आयोजित किया गया। सुशांत सिंह राजपूत पटना से बिलोंग करते थे लेकिन बॉलीवुड में अपना करियर बनाने के लिए वो मुंबई शिफ्ट हो गए थे। टीवी सीरियल पवित्र रिश्ता में उन्होंने मानव का रोल किया था जो बहुत ही सुपर डुपर हिट रहा और इस सीरियल के सुपर डुपर हिट होने के बाद उन्हें मूवी मिलना शुरू हो गई और वो सिर्फ सीरियल के ही नहीं बल्कि फिल्मों के भी सुपरस्टार बन गए थे। लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। लोग बॉलीवुड के बड़े प्रोड्यूसर्स के खिलाफ विरोध कर रहे हैं और भाई भतीजावाद का बहिष्कार करने की मांग कर सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने में लगे हुए हैं। कैंडल लाइट मार्च पटना में शुरू हुआ जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। लोग कोरोना की वजह से मुंह में मास्क लगाए हैं और अपने हाथों में बायकॉट नेपोटिज्म की तख्ती पकड़े हैं। हालांकि सरकारी सलाह के बावजूद कोई सामाजिक दूरी नहीं देखी जा रही है। इसी दौरान बॉलीवुड प्रोड्यूसर्स और फिल्म मेकर्स करण जौहर, संजय लीला भंसाली, एकता कपूर और एक्टर सलमान खान के खिलाफ बिहार कोर्ट में केस फाइल किया गया है। इस मामले में एडवोकेट सुधीर कुमार ओझा ने शिकायत याचिका दायर की है और कहा है कि मैंने मुजफ्फरपुर बिहार की एक अदालत में एक्टर सुशांत सुसाइड मामले में आईपीसी की धारा 306, 109, 504 और 506 के तहत करण जौहर, संजय लीला भंसाली, सलमान खान और एकता कपूर समेत 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। धन्यवाद। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।